अगर आप भी चाहते हैं कि रुदल पंजयार के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल रुदल पंजयार को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। संत शिरोमणि श्रोता बंधु, श्रोता भगवान, चले पुरस्कार की ओर। आप ही मयंक कुमार, पिता विकेश कुमार यादव, ग्राम बरियाही सहरसा। श्रद्धालु की ओर से श्रद्धा के साथ बड़ी उदार दिल से शानदार 101 रुपए की पुरस्कार है। भगवान श्रद्धालु की मनोकामना को पूर्ण करें। माँ सरस्वती परिवार में बाल बच्चे को विद्या की भंडार दें। बाबा भोले भंडारी भंडार को भरे रखें। जय हो दानी श्रद्धालु की, जय हो। जय हो दानी श्रद्धालु की, समस्त परिवार की जय हो। विचार करो तय, बेटा जब बाप के जांघ पर गंदा क्या दिखे हैं, बाप की करे छे जांघ काट के फेंक दिखे हैं कि गंदा के साफ करवावे छे। वह समान लक्षण के तू बर भाई पिता तुल छो, लक्षण तोहर छोट भाई पुत्र के समान छ। लक्षण जब गलती कल के तो लक्षण के बुझे बह समझे बह कि आगे में जला के मार दब। यह बर भाई के धर्म, यह बुजुर्ग लोग के कार्य। यह महिला बाबा हमरा पाप के बाबा तू माना। आओ ये लक्षण क्या नहीं या आ महिनाथ बाबा लक्षण क्या नहीं या। आइए आगम जलियो ये महिना पंडित बाबा हो तारा ये Thank you.
लक्षण के बाबा आग में नहीं जलियो। लक्षण यहाँ के सहोदर सागा भाई छिया मंगरू पंगरू के शब्द सुन के महीना तो बाबा कल के रे मंगरू पंगरू पंगरू तोरा आदेश दे ले लियो ये कि तोहर उपदेश सुने ले लियो ये बाल चंदन के काट के चेला चीर के घनुआ लार के ढेरी की तरह सरा घाट पर ढेर लगे मी की नहीं बोल जेहो मंगरू पंगरू दोनों भाई कार जोड़ लड़के बाबा अपने के जमीन में बसल छी अपने के अदब शासन में हम जरूर रहब लेकिन हमर जे धर्म रहे यहां तक कह दलो बात मानू या नहीं मानू भाई तो यहीं के छिया मंगरू पंगरू दोनों भाई रुखान बसूला आरी कुल्हारी लेके पोखर के महार पर पहुंच गए सात गा चंदन के काट के चेला चीर के अघनुआ लार के ढेरी के तरह सरा घाट पर बाबू जी ढेर लगा रह कभी लिख लखिन ये बाबू जी बुरे दिन जब आत है तीन चीज भयो भिन्न खाना बानी बैस की विधाता लियो मानव के जब बुरा समय आवे छैने बाबू जी तो मानव के तीन गो चीज भगवान पहले छीन ले छे कहबे कौन कौन चीज सबसे पहले सात्विक भोजन जे मानव के भोजन बिगड़ जाए जे मानव दारू तारी गांजा भांग मीट मांस मदिरा के प्रयोग ज्यादा करे लागे पी के कते नदी नाला रोड सड़क पर घुलट जाए बुझ लियो कर दिन खराब भ गेले समय बिगड़ गेले दोसर में लिख लखनी है बानी जय मानव के बानी अटपट भ जाए कभी लिख लखनी है बानी तो अनमोल है जो कोई बोले जान हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन बानी अनमोल छे बाबूजी बानी के मूल्य क्यों नहीं दे सकिए लेकिन वह मानव के बानी अनमोल छे जे मानव अपना हृदय के तराजू में तौल के शब्द के बाहर निकाले छे जे सुने बला के करुआ शब्द लागबू कर तेसर में लिख लखनी है संगत बैठना उठना जे मानव के संगत बिगड़ जाए कभी लिख लखनी है संगति से गुण आत है संगति से गुण जात बांस फांस मिश्री एक के भाव बिका महिनाथ बाबा के संगति बिगड़ गले रहे बाबू जी कपटी ब्राह्मण बाबा के साथ संगत भ गले रहे कभी फिर लिख लखनी है कपटी मित्र नहीं चाहिए पीठ पोछ बात ले आगे राह चढ़ाए के पीछे से धोखा दे सबसे खतरनाक होई छे बाबूजी कपटी मित्र कपटी दोस्त कपटी हितेशी मंगरू पंगरू दोनों भाई सात गाछ चंदन के काट के चेला चीर के अघनुआ लार के ढेरी के तरह सरहा घाट पर चेला के ढेर लगा रहले है बाबूजी
जेहो लक्षण दोपहर में गाय के पानी पिलावे वह सरहा घाट पर जाए रहे। आज लक्षण दोपहरिया में गाय के पानी पिलावे सरहा घाट पर गेल है। लक्षण के नजर पड़ गए सात गाछ चंदन के चेला पर। लक्षण मन में सोचे चेला भैया चिरबा रहले है भगवान नहीं ककरे शादी विवाह छे नहीं मुंडन उपनयन छे नहीं भोज भंडारा छे भैया चेला चिरबा रहले है। ओ परमात्मा सवेरे में भैया हमारा कहल के रहे है जे कारू के पूजा नहीं छोड़बिही ते आग में जला के तोरा मार देबो। हमरे लिए तो भैया चेला नहीं चिरबे लागल। आखिर चेला चिरने हेते ते मंगरू पंगरू भैया एक बार जाके पोखर के महार पर पूछिए जे किया चेला चिरबा रहल होइए। गाय के लक्षण लाठा बथान पर रोक दई छई टुघरल पोखर के महार पर पहुंचई छई। भगवान पोखर के महार पर लक्षण मंगरू पंगरू के बगल में खराब है जे छे मंगरू पंगरू के कहे हे मंगरू भैया जी हो कौन जरूरी छे ए चंदन के चेला के हे हो ई कारू भैया के निशानी सात का चंदन रहे किया है सात का चंदन के काट के चेला चीर के सरहा घाट पर ढेर लगा रहल हो ये के कहल का चंदन के चेला चिरवेले कौन काम छे चेला के। मंगरू पंगरू दोनों भाई लक्षण के बगल में बैसा ले लक्षण के बाल के सहलावे लक्षण के कहे लक्षण सोन हेर जह और सूर्य भगवान उगई छई वह और मानव प्रणाम करई जह और सूर्य भगवान उगई छई वह और मानव प्रणाम करई छई तोहर मालिक रहो कारू संत कारू भगवान मर गेले तोहर मालिक भए गेलो महिनाथ बाबा। महिनाथ बाबा जे कहे छो तू किया न मान ले छी। लक्षण कल के भैया माने वाला बात कहते तब न मानबे जे बात हम नहीं मानबे से बात भैया हमरा कहिए तू चेला किया चिरे छो से ने पहले हमरा बताबो। मंगरू पंगरू दोनों भाई लक्षण के गोद में ला के लक्षण के सूरत के निहार के कान लक्षण के कहे लक्षण सो हे रे तोरा जई दुनिया में जिंदा महापुराण नगरी के धन संपत्ति के लोभ त्याग के
महापुरा नगरी से तू जान बचा के भाग जो लक्षण निकल के से की भले जे हम महापुरा नगरी से जान बचा के भाग गए किया चेला चिरे छुपोलन दोनों भाग काने लक्षण के कैन कैन के कहे लक्षण सुन से लक्षण हे रे तोरे ले रे भाई हे रही लरी लबा हे रही तोरे ले भाई अरे भैया हेरे चेला छिरे लको लक्षण बबुआ हेरे मार दे तो काल आग में चलो प्रसंग अभी 3 से 4 घंटा की और है बाबूजी ऐ जगत से लक्षण समाज की द्वार जीते समाज भी लक्षण के रक्षक नहीं बनते माय लग भाई के जीते माय जीते महिनाथ बाबा लग महिनाथ बाबा माय की बात नहीं मान दर दर लक्षण भटकते तब प्रसंग 3 से 4 घंटा के और छे कतबो शॉर्ट करबे ते के बेर कह देबे ते हेते तब बुझबे ए कारण दिन में अपने सब के ई प्रसंग हम पूरा कह दे यज्ञ करता महोदय से आग्रह करबे जय मंडली के समय देबे हुनकर अपने घोषणा करे के प्रयास करबे
जे मंडली के अपने समय देवे हुनकर अपने घोषणा करे के प्रयास करबे। कारण हम सब 11 बजे के बाद नहीं कार्यक्रम करे छी नहीं भोजन करे छी। कारण छे जे प्रतिदिन के कार्यक्रम भए जाय छे। यज्ञ करता महोदय अपने समय पर ध्यान देते हुए जे मंडली के समय देवे हुनकर घोषणा करबे। हमरा सबके आधा घंटा समान साज बाज के खोले में भी लागै छे। अपने समय पर ध्यान देते हुए जे मंडली के समय देवे हुनकर घोषणा करबे। ध्यान दबे लछन जे महीना के बाबा लछन जे मंगरू पंगरू की शब्द के सुन लखे। लछन काने लागले हे मंगरू भैया से कौन गलती हम के लिए जे भैया हमरा आग में जलवे ले तैयार छे। मंगरू पंगरू दोनों भाई कल के भाई के मुहा मुही तू सवेरे सवेरे बोल गई है। भाई के मुहा मुही तू कह दिली जे सब बात मान लब एगो बात नहीं मानब कारू भैया के पूजा नहीं छोड़ब। लछन काने लागले जे हम की जाने गली है जे एक बात से बड़का भैया के एक बड़ा क्रोध है जीता है। किया ना हमरा भैया के समझा दल हो जे लछन नादान छे। लछन के मुंह से निकल गले मंगरू पंगरू दोनों भाई लछन के कहे भाई रहती हो तब ने तोरा गलती के माफ करती हो। महीनाथ पंडित तोरा लिए भाई नहीं रहलो भाई से कसाय बन गेलो। महीनाथ पंडित के बुद्धि ज्ञान विवेक हरा गल नष्ट भ गल एको गो बात तोहर भाई मान ले तैयार नहीं छो। श्रोता बंधु लछन मन में सोच है भैया जब चेला चिरवा दे लिखी है सबसे बड़ो समाज हो समाज में हम जाए छी घर घर आंगन आंगन घूम घूम के समाज के कहबे जे भैया से हमरा बचा लियो हमरा भैया के बुझा दियो समझा दियो हमरा भैया से बचा लियो। ध्यान दबे ये भाग ले ये भाग भागले भागले हो जाय छै हो लछन बबुआ जाके ए जाना
समाज में जाइए, समाज के मनोरंजन प्रमुख लोग के घर घर आंगन आंगन जाके लक्षण कर जोड़ के कहे जे भैया हमारा आग में जलावे ले तैयार छे, हमारा भैया के अपने सब बुझा दियो समझा दियो जे भाई के कहीं भाई आग में जला के मार लगैया है। कोई लक्षण के सहारा नहीं बने, कोई नहीं लक्षण के बोल भरोस दै छे जे तोरा हम भाई से बचा लेब। संत शिरोमणि श्रोता बंधु कभी लिख लखनी है सबे सहायक सबल के निबल न कोई सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझा। सब सहायता करे छे बाबूजी मुहे वाला लोग के, गरीब के सहायता करे वाला बाबूजी क्यों ने उदाहरण देलखिन है। आग छे सबल मंडुक पनियार, आप जहां कहीं भी हैं आपका टाइम हो चुका है और पंडाल डालने का कष्ट करें। तनी को और ज्यादा आवाज में कहियो, हेलो हेलो मंडुक पनियार आपका टाइम हो चुका है, आप जहां कहीं भी हैं पंडाल में अपना साथ बात के साथ आने का कष्ट करेंगे। कांग्रेस पंडियार आप लोग का समय हो चुका है, आप लोग जल्द से जल्द पंडाल में आने का कष्ट करेंगे। गंगा पंडियार आप जहां कहीं भी हैं जल्द से जल्द पंडाल में आने का कष्ट करेंगे। संत शिरोमणि श्रोता बंधु जे आग छे सबल, कभी लिख लेकिन ये सबल में दोष नहीं गुसानी रवि पावक सुरसरी की नहीं। एक घर में आग लग जाए हवा चले लागते पवन नाम छे हवा के, एक घर से 50 घर में आग लग सकी है। दीप छे गरीब दीप जले छे हवा चले लागते तो दीप के बुझा देते, वह हवा आग के धधका दे छे दीप के बुझा दे छे। वह तमाम लक्षण के महापुरा नगरी में कोई स्वर समाज माय बहन बाबू भैया सहारा नहीं होई छे, कोई ने लक्षण के कहे जे लक्षण धीरज बांध तोरा भैया से बचा जा। कोई नहीं सहा यौ सुन भैया यौ कोई नहीं सहा सहारा लक्षण के होई छे
समाध्य बाबा ये यो होई छै महापुरा ये माँ बहना ये धिया से सुन भय धर्म की बात ध्यान से सुनबे ए मालिक की लीला के सुनबे बरबर लीला बाबा कारू रचल गए ए दुनिया संसार में रचल गए